सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। अर्थस्योपार्जनम कृत्वा नैव भोगम समश्नुते अरण्यम महदासाद्य मूढ़ सोमिलोको यथा। अर्थात कुछ व्यक्ति धन कमा तो लेते हैं परंतु उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। सोमिलक भी महावन में पहुंच तो गया लेकिन वो उसका कोई लाभ नहीं उठा सका। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र कथा जुलाहे का धन। एक नगर में रहने वाला सोमिलक नामक जुलाहा एक उच्च कोटि का कलाकार था। वो राजाओं के लिए अच्छे वस्त्र बुनता था लेकिन फिर भी वो साधारण जुलाहों जितना भी धन नहीं कमा पाता था। अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर एक दिन सोमिलक अपनी पत्नी से बोला, प्रिय भगवान की ये कैसी लीला है कि साधारण जुलाहे भी मुझसे अधिक कमा लेते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद ये स्थान मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं किसी अन्य स्थान पर जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं। सोमिलक की पत्नी बोली, आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। भले ही मेरु पर्वत पर चले जाओ, चाहे मरुस्थल में रहने लगो, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, अगर आप अपने जोड़े हुए धन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कमाया हुआ धन भी चला जाएगा। इसलिए मैं कहती हूं कि आप अपना काम धंधा यही रहकर करते रहो। जुलाहा बोला, प्रिय मैं तुम्हारे इस विचार से सहमत नहीं हूं। परिश्रम करने से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, इसलिए मैं दूसरे देश अवश्य जाऊंगा। ये सोचकर सोमिलक दूसरे नगर में जाकर कुशलतापूर्वक श्रम करने लगा और कुछ ही समय में उसने 300 सुवर्ण मुद्राएं कमा ली। फिर वो उन सुवर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो जंगली पशुओं से बचने के लिए वो एक पेड़ की शाखा पर चढ़कर सो गया। आधी रात में उसने भाग्य और पुरुषार्थ नामक दो व्यक्तियों को कहते सुना। भाग्य ने पुरुषार्थ से कहा, जब तुम्हें पता है कि इस जुलाहे के भाग्य में अधिक धन नहीं लिखा, तब तुमने इसे 300 सुवर्ण मुद्राएं क्यों दी? पुरुषार्थ ने उत्तर दिया, मुझे तो उसके परिश्रम का फल उसे देना ही था, अब आगे की तुम जानो। ये सुनते ही जुलाहे की नींद खुल गई और उसने अपनी थैली संभाली तो वो खाली थी। ये देखकर वो रोने लगा। खाली हाथ घर जाना उचित ना समझकर वो पुनः अपने काम पर वापस लौट आया और फिर से परिश्रम करने लगा। एक वर्ष में 500 सुवर्ण मुद्राएं जुटाकर वो पुनः एक दिन अपने घर को चल दिया। इस बार सूर्यास्त हो जाने पर भी उसने रुकना अथवा सोना उचित नहीं समझा और चलता ही रहा। लेकिन इस बार उसने अंधेरे रास्ते में दो व्यक्तियों को एक दूसरे से ये कहते हुए सुना, तुमने फिर उसे इतना धन दे दिया जबकि तुम जानते हो कि उसके भाग्य में खाने पीने भर से अधिक नहीं है। तो दूसरे ने उत्तर दिया, मुझे तो उसके परिश्रम का फल उसे देना ही था, अब आगे की तुम जानो। इस बातचीत को सुनते ही जुलाह ने अपनी थैली देखी तो उसको खाली पाया। वो अपना सिर पीट कर रोने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर भाग्य ने जुलाहे से कहा, तुम वर्धमानपुर नगर जाओ और वहां जाकर दो बनियों गुप्तधन और उपयुक्त धन से मिलना। उन दोनों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद मुझे बताना कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर दूंगा। इतना कहकर भाग्य वहां अंतमान हो गया। हैरान परेशान सोमिलक शाम के समय वर्धमानपुर पहुंच गया। वो बहुत थक चुका था पर फिर भी गुप्तधन के घर पहुंचने में सफल हो गया। गुप्तधन को उसकी पत्नी और पुत्र ने सोमिलक को घर लाने की वजह से बहुत डांटा। उन्होंने उसकी बुराई करते हुए उसे अतिथि मानकर कुछ भोजन दे दिया। भोजन खाकर जैसे ही सोमिलक सोने गया, उसने दो पुरुषों को आपस में बातचीत करते सुना।
एक ने कहा, सोमिलक को भोजन देकर तुमने बनिए के धन को खत्म क्यों किया? दूसरा बोला, मुझे सोमिलक को उसके श्रम का फल देना ही था, अब तुम अपनी करने के लिए आजाद हो। अगली सुबह जैसे ही सोमिलक उठा, उसने देखा कि गृहस्वामिनी हैजे की शिकार हो गई। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला और सोमिलक को भूखा रहना पड़ा। अगले दिन वो उपयुक्त धन के घर पहुंचा तो यहां भी उसका भोजन आदि करवाकर स्वागत किया गया। रात को खा पीकर सो जाने पर सोमिलक ने वहां भी दो पुरुषों की बातचीत सुनी। एक बोला, अतिथि के प्रति इतना स्नेह दिखाने वाले, अपने धन का सही तरीके से उपभोग और दिल खुलकर खर्च करने वाले इस व्यक्ति को किस प्रकार इनाम दिया जाए? इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, इसकी चिंता करना मेरा काम है, तुम अपना काम देखो। सवेरे सोकर उठने पर सोमिलक ने देखा कि उपयुक्त धन के अच्छे कामों से खुश होकर राजा ने पुरस्कार के रूप में उसके पास बहुत सा धन भेज दिया। इस पर सोमिलक ने सोचा, धन को जोड़कर रखने वाले गुप्त धन बनिए से तो ये उपयुक्त धन बनिया कहीं अधिक अच्छा है। इस तरह धन संग्रह के उपभोग के महत्व को सोमिलक ने जाना और वापस अपने नगर को लौट गया। सीख, हमने कहानी में देखा कैसे सोमिलक मेहनत करके धन संग्रह करता, पर बार बार उसका धन गायब हो जाता, क्योंकि वो अपना धन कभी खर्च ही नहीं करता था। पर जब सोमिलक वर्धमान नगर जाकर उपयुक्त धन और गुप्त धन से मिलता है, तब उसे धन का उपयोग करने का महत्व समझ में आता है और उसे अपनी गलती का पता चलता है। इसीलिए कहा जाता है, धन संग्रह का सही उपयोग उसे अपनी जीविका में खर्च करने में है। आवश्यकता पड़ने पर धन खर्च करना ही समझदारी है। कंजूस बनकर उस धन को केवल इकट्ठा करके रखना मूर्खता है।